फाइनली मैंने यहाँ पर इंसीडियस 5 मूवी देख ली है। अब देखो एक चीज मैं बताऊँ ना भाई, अब मेरे को लग रहा नहीं है जो डायरेक्टर है मेकर्स हैं बहुत ज़्यादा इस स्टोरी को खींच रहे हैं। सच बता एकदम फील जो मैंने किया भाई साहब, एक हॉरर मूवी सोच कर गया था देखने के लिए भाई, इसका चैप्टर 1 देख लो, 2 देख लो, 3 तक काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टोरी चल रहा था, उसके बाद से जैसे 4 आता 5 आता भाई सेम स्टोरी को ये लोग रिपीट कर रहे हैं कि भाई उसका जो बाप रहता है वो अपने बेटे को जाता है बचाने के लिए उस दुनिया से, फिर उसका बेटा रहता है बाप को जाता है उस दुनिया से बचाने के लिए, तो भाई साहब वहाँ पर कोई और रहता है तो वो आ जाता है बचाने के लिए। भाई एक ही स्टोरी को बार 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 घुमा रहे हो भाई साहब, अब ख़त्म कर दो भाई। फिर इसमें भी दिखाया गया लास्ट में क्लाइमैक्स होता है और इलिस बोलती है उसको जॉस को कि भाई तुम बच के रहना, बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना, मतलब भाई सब इसका 6 भी आने वाला। तो भाई इसका मतलब क्या बताओ भाई, वो बंदा कोई दूसरी दुनिया में चल जाता है फिर कोई लोग जाता है वहाँ से लेकर आ जाता है, तो भाई सेम ही स्टोरी को दिखा रहे। अब भाई बात करें अगर हॉरर के बारे में तो मेरे को ना मूवी देखते वक्त ना मतलब अगर 100% लेना तो 100% में से 2-3% खाली मेरे को जंप स्कैरी वाला मोमेंट नज़र आया होगा तो थोड़ा बहुत मैं डरा होगा, मतलब डरा क्या होगा शॉक्ड हो जाता हूँ भाई। उसके बाद मतलब मूवी को तुम अकेले भी बैठ के देख लो अंधेरे में ना भाई, तुमको डर नहीं लगने वाला भाई साहब। मूवी पूरा का पूरा डार्क में चलता है भाई साहब, पूरा का पूरा हॉल तो डार्क है भाई। अब मूवी को तो देखने बहुत कम लोग जा रहे हैं भाई साहब, कपल लोग जा रहे हैं अपना काम करने के लिए। अब देखो इस स्टोरी में ना भाई मेरे हिसाब से कोई जान नहीं है, मेकर्स को चाहिए या तो स्टोरी चेंज करे तब भाई साहब इसका 6 लेके आए, वरना भाई बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है। सच बता रहा हूँ, मतलब इसका क्रेज भी देखो है ही नहीं, हाइप भी नहीं है, किसी को उतना पता भी नहीं कि भाई इंसीडियस आया है भाई। इसका फर्स्ट पार्ट तुम देख लो काफ़ी ज़्यादा डरावना, सेकेंड देख लो उसकी स्टोरी कितना अच्छा कनेक्ट होती है, थर्ड देख लो क्या स्टोरी को कनेक्ट करते हैं। हाँ अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हमको 5 देखना है तो 1 से लेकर 4 तक देखना ज़रूरी है, तो देखो इसको ना 1 से कनेक्ट किया गया, तो अगर आप 1 देख लेते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप नहीं भी देखते हो एज अ फ्रेशर जाते हो तो भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा आपको माइनर समझने में दिक्कत होगी भाई, वो भी यूट्यूब में देख लेना इधर उधर, तो आपका पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से भाई अगर तुम सच में हॉरर मूवी देखना एकदम चाहते हो भाई और इससे पहले बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी देख चुके हो तो भाई ये मूवी आपको बिल्कुल नहीं डराएगी, लिख लो ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम जा रहे देखने तो आप जा सकते हो देखने के लिए। तो भाई ओवरऑल बोले यही मेकर्स को कि भाई स्टोरी का प्लॉट चेंज करो भाई, कुछ अच्छा चीज़ लेकर आओ, सेम स्टोरी मत लेकर आओ कि लोग का आत्मा चल गया वहाँ फिर रिटर्न आया भाई ना। तो चलो आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।